जिस बात से इस प्रांगण में मशहूर हुआ था। रंजीत भैया एक मिनट आप यहां सामने आइएगा। सारे आदमी हमारी तरफ ध्यान को केंद्रित करेंगे, इस शख्स के लिए एक जोरदार ताली बजा देंगे सारे लोग। उसके बाद हमारे सुमन भैया भी हमारे दाहिने तरफ आएंगे। सुमन जी दाहिने तरफ आइए, जल्दी दौड़ के आइए। सुमन जी आइए एक मिनट। अरे भैया आ तो जाइए, आ तो जाइए एक बार, क्या बात है। चाहेंगे इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे सारे लोग। हाँ बिल्कुल, आप भी जा सकते हैं और आप भी जा सकते हैं। चलिए अब आप बताइए भैया, इस धरती पर सबसे बड़ा कौन बड़ा है? ना रूपा पैसा ना कनिया ना। चलिए मैं उस बात को दोहराऊंगा, और जिस तरह गाना आप लोग याद करते हैं तो मेरा मिमिक्री भी याद करते जाइएगा। बिल्कुल कह दें आदेश है तो एक बार ताली बजा देंगे सारे लोग। देखिए बड़े भाई, जब मेरा उम्र 12 वर्ष का हुआ करता था, मैं एक मंदिर के प्रांगण में बैठ के भजन कीर्तन गा रहा था। जैसे ही भजन गा रहा था, एक शराबी का प्रवेश होता है। कैसे होता है गौर फरमाएंगे सारे ऑडियंस। मंदिर का प्रांगण में भजन गा रहा था, शराबी का प्रवेश मुझे कहता है विकास, आ विकास बा। मैंने कहा जी महाराज, हाँ तुम अपना माइक्रोफोन हमको दो, हम एक भजन गाएंगे। जैसे शराबी ने कहा कि मैं एक भजन गाऊंगा, उस मंदिर के पुजारी कहते हैं बेटा विकास। मैंने कहा जी महाराज, उसे माइक मत देना। मैंने पूछा क्यों महाराज, तो उन्होंने कहा हमारे इस मंदिर के प्रांगण में कोई मांस मदरा का सेवन करके भजन कीर्तन नहीं गा सकता है। जैसे ही बाबा ने कहा कि कोई भजन कीर्तन नहीं गा सकता है, वैसे ही बाबा और शराबी में मारपीट शुरू हो जाता है। गांव के कुछ लोग आके दोनों को अलग अलग कर देते हैं। शराबी कहता है कि बाबा मैं भजन नहीं गाऊंगा, लेकिन आपको हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं और हम तो अचूक ज्ञानी हैं। आइए देखिए, शराबी का पहला प्रश्न होता है कि बाबा बता, क्या बाबा बता, जहां तू खड़ा है और यह मंदिर खड़ा है, बता बाबा तू बड़ा या मंदिर बड़ा। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा ये मंदिर बड़ा। शराबी कहता है आ बाबा, अगर ये मंदिर बड़ा इस धरती पर क्यों पड़ा, बता बाबा कौन बड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा धरती बड़ा। शराबी कहता है कि बाबा अगर ये धरती बड़ा तो नाग के माथे पर क्यों पड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा नाग बड़ा। शराबी कहता है बाबा अगर नाग बड़ा तो भोलेनाथ के गर्दन में क्यों पड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा भोलेनाथ हनुमान बड़ा। श्रावी कहता है बाबा अगर पवन पुत्र हनुमान बड़ा तो श्री राम के चरण में क्यों पड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा श्री राम जी बड़ा। श्रावी कहता है बाबा अगर श्री राम जी बड़ा, आगे भूल गया, सीता के वियोग में क्यों पड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा सीता जी बड़ा। श्राबी कहता है बाबा अगर सीता जी बड़ा तो सोने का लंका अशोक वाटिका में 14 साल क्यों पड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा सोने का लंका पड़ा। श्राबी कहता है क्या बाबा अगर सोने का लंका पड़ा तो समुद्र यानी पानी में क्यों पड़ा। बाबा ने कहा कि बेटा समुद्र यानी पानी पड़ा। श्राबी कहता है बाबा अगर पानी पड़ा तो बता बाबा दारू में क्यों पड़ा। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा बेटा जो पी के पड़ा ऐना नहीं होता है। कहना चाहेंगे कि बियर में ब्रह्मा बसे, रम में बसे राम, बिस्की में विष्णु बसे, पन्नी में हनुमान। बियर में ब्रह्मा बसे, रम में बसे राम, बिस्की में विष्णु बसे, पन्नी में हनुमान। किस किस का त्याग करूं भाई, हर बोतल में भगवान, हर बोतल में भगवान। अभी हम देख रहे थे कि इधर हम मिमिक्री कर रहे थे, एक आदमी थप्पड़ कर रहे थे। कहना चाहेंगे कि घर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख लो, भीख मांगने की तजुर्बा नहीं तो खैनी खाना सीख लो।
घर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख लो, भीख मांगने की तजुर्बा नहीं तो खैनी खाना सीख लो। विल्स पनामा चाम्स पीते हैं कई सालों से, पर आप अक्सर देखते होंगे माचिस मांगते हैं उन्हीं बीड़ी वालों से। इनका मजा देखना है तो जाके देखो हफीज खानों में, जहां जुट्ठा बीड़ी पी के मौज उड़ाते हैं। मैं खानों में बात पसंद आए तो ताली बजा के आशीर्वाद दे देंगे। आइए, मैं कार्यक्रम के इस दौर को रखूंगा बरकरार। एक नृत्य होगा, उसके बाद एक फरमाइश है, मुझे नौलखा मंगा दे, एक गाना होगा, और उसके बाद जाते जाते मैं आपको सुनाता जाऊंगा बकलोल लड़का का सुहागरात, और साथ ही साथ 3 बजे भोरहरिया का प्यारा सा सौगात। आइए, पसंद आया तो थोड़ी सी ताली बजा देंगे सारे लोग। लीजिए।